तो और मेरे भाई क्या हाल चाल है यार। अब आज का गेम प्ले बहुत इंटेंस होने वाला है भाई, क्योंकि शुरुआत से आखिर तक तुम्हारा भाई लड़ता ही रहा। ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट मैं ना के बराबर इस वीडियो में कट्स करने वाला हूँ, क्योंकि भाई पूरे टाइम तो मैं फाइट्स में एंगेज ही रहा हूँ। इतना फाइट कि मैं थक गई। फिलहाल देखो भाई, मैंने तुमको पहले ही बोल दिया गेम प्ले इंटेंस होने वाला है, तो डेफिनेटली तुम लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। फिलहाल अब देखो, मुझे पता है मैं मेंशन से भागा था पीठ दिखा के, बिकॉज वहाँ पर जैसे पहले बंदे उतर गए थे सुगंध मिल गई थी, तो तुम कह सकते हो कि मैं पीठ दिखा के भागा हूँ। लेकिन भाई मैं ठहरा शेर, दो कदम पीछे लेता हूँ 4 कदम आगे बढ़ के हमला करने के लिए। तो भाई मैं आया लूटने, मेरे को किल मिल गई, किल के साथ साथ मेरे को लूट भी मिल गई। अब भाई मैं सूतूंगा, वो भी कतार में लगा के। भाई साहब आते ही 2 किल और फिर ये रहा तीसरा डिपॉजिटेड। अब देखो तुम्हारे भाई ने 4 किल निकाल लिए थे, लगे नहीं थे कि 4 किल इतनी आसानी से मिलेंगे। लेकिन 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 यहाँ पर मेरे को धक्का लगने वाला है। सबसे पहले मेरी हेल्थ लो थी तो मेरे को हेल्थ लगानी थी, और मेरी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पर काफ़ी सारी पेटी थी जिसमें से मेरे को होस्टेड मिल गई, कुछ बूस्टर्स भी मिल गए, तो मैं हेल्थ लगाने आ गया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर होने वाली है एक वाइल्ड कार्ड एंट्री। चिरकुट रॉयल रंबल छोड़ना चल रहा है, तो सरप्राइज एंट्री ले रहा है इधर, पता नहीं कहाँ से टपका। भाई मुझे बस इतना पता है ये कहीं से ऊपर से आया, कहाँ से आया, कैसे आया, गन्स लेके कब आया, मुझे कुछ नहीं पता। बस अब मैं एक बात जानता हूँ कि मेरे आसपास जितने बंदे उनको सबको मैंने ठोक दिया है। तो अगर मेरे को अभी किल चाहिए तो मेरे को बीच में जाना पड़ेगा मेंशन में, और उस काम के लिए थोड़ा सा मेरे को जो है दिमाग लगाना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे बंदे भसड़ कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरे को लगता है अभी तक ट्राइडेंट किसी ने निकाला भी नहीं है, तो ट्राइडेंट के लिए भसड़ तो मस्ती है भाई। ट्राइडेंट देखो यूजफुल हो ना हो मुझे नहीं पता, तुम लोग बताना कि तुम्हारे कुछ काम आता है कि नहीं। मेरे ज़्यादा काम नहीं आता ट्राइडेंट, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है ना भाई, हर कोई चाहता है कि उसके पास रहे मतलब वो एक एस्थेटिक चीज़ है भाई। अब ये वर्ड मैंने क्यों बोला मुझे पता नहीं, बट समझ गए। फिलहाल यार ये जगह इतनी बड़ी है ना, अक्सर मैं खुद भूल जाता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ, तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया था कि भाई मैं किस साइड से घुसा हूँ मेंशन में। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, सामने बंदा था जिसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, और भसड़ मछली तो अब तय है। इसकी बात कर रहा था मैं। अब देखो मैंने उसको हेडशॉट मारा था, बट अब वो पीक लेगा नहीं, लेकिन तभी मेरे को गट फीलिंग आई कि भाई ये नेट ना डाल दे, तो मैं हटा वहाँ से। अब तुम कहोगे कि मैंने नेट क्यों नहीं डाला, क्योंकि भाई देखो मेरे को ध्यान में नहीं आया कि नेट डाला जा सकता है, कभी कोई याद नहीं रहता। तो अगर उस पॉइंट पे मैं नेट कुक करता वहाँ खड़े होके, तो मैं फूट जाता। तो इस वजह से भाई मैं वहाँ से भाग गया था। उसने मेरे को लगभग 2 ग्रेनेड डाले और दोनों के दोनों उसके वेस्ट गए। अब मुझे प्लान बनाना था कि मैं इसको ठोकूँ कैसे, क्योंकि भाई पीछे बहुत बंदे लड़ रहे, तो भाई मुझे उनके किल्स भी निकालने थे। मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर नहीं सकता था, तो मैंने एक थोड़ा सा चीकी एंगल ढूंढा। मैं छत पे चढ़ गया, यहाँ से एक एंगल बनता है। मेरे को फुटस्टेप आया तो मुझे पता था ये यहीं कहीं है, लेकिन इसकी लड़ाई हो गई। अब किसी ने किसी को कैसे तो चटकाया, लेकिन वो मेरे को दिखा नहीं, दिख कोई और गया। अब भाई इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के भी दाम। मतलब भाई मेरे को तो एक बंदे का किल चाहिए था, मिल गए 3 किल्स। वैसे 2 ही कंफर्म कर पाया हूँ, एक कंफर्म करने जा रहा था लेकिन मेरे को मिला तो सरप्राइज। भाई ऊपर एक ज़्यादा बंदे। भाई मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी जंप परफेक्ट नहीं थी, मैं तैरता हुआ जा रहा था तो नीचे कूद गया। अगर डायरेक्ट उधर ऊपर पहुँच गया होता ना, तो भाई इस टाइम में ऊपर ही पहुँच गया होता और प्लेन में बैठा होता। फिलहाल इसने फुटस्टेप दे दिए, नहीं देता तो मैं चेक नहीं करता। अब इसके चक्कर में इसका टीममेट भी जाएगा, बचाने तो आएगा। अब इन दोनों को तुम्हारे भाई ने फिनिश कर दिया था। 9 किल हो चुके थे और गेम प्ले अभी तक तो कतई स्मूथ जा रहा था। इस तरह की जब भी स्टार्ट होती है ना, मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत बंदे आए थे, मैंने किल्स निकाल लिए और अभी भी अच्छे खासे बंदे यहाँ पर बच रहे। तो हॉट ड्रॉप मेरा सक्सेसफुल होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और अगर किस्मत अच्छी रही तो क्या पता कुछ बंदे रिकॉल लेके वापस आ जाए। अब यहाँ पर ट्राइडेंट के लिए फाइट तो चल रही थी, क्योंकि तुम देख सकते हो कि इधर से गन फायर आया था। अब मुझे इतना नहीं पता था कि यहाँ पर एग्जैक्टली कितने बंदे हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही बंदे ने फायर करा था। लेकिन सच बताऊँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे हैं। अब मुझे नहीं पता क्यों, बट भाई स्टिंगरे उड़ा रहा था। अगर ये नहीं उड़ा रहा होता तो शायद मेरे को इसका मार्क नहीं आता मैप पे। लेकिन अब मैं डालूंगा मॉली और बजेगा बैंड। अब एक को तो मैंने भाई क्या बताऊं पैर की छोटी उंगली पे मार के नॉक करा है। अब एक नॉक है तो दूसरा भी फंस गया है। साला इतना बचने की कोशिश, पक्का तीसरा बंदा है यहाँ पर। वो देखो, ओ मेरे भाई ये सिंपल सी साइकोलॉजी है भाई, हमेशा काम आती है भाई, हमेशा। अगर कोई नॉक बंदा इतना बचने की कोशिश कर रहा है ना भाई, इतना बचने की, तो डेफिनेटली उसको उम्मीद है कि उसे कोई बचा लेगा और वो बंदा आसपास ही होगा। तो भाई मैं इधर किस्मत वाला था कि मैंने ध्यान दिया, मैं ज़्यादा ओपन से आगे से नॉक करने की कोशिश नहीं कर रहा था, तो मैं इधर बच गया, वरना ये टीपीपी जो ले रहा था ना ये खा जाता मेरे को। अब इधर से थोड़ी टाइमिंग गड़बड़ हो गई मेरे से। मुझे इतना तो पता था कि ये तीन ही बंदे हैं, क्योंकि और किसी का मेरे को फुटस्टेप नहीं आ रहा है। अगर इनका चौथा बंदा भी आसपास होता तो डेफिनेटली यहाँ पर मेरे से फाइट लेने आता। तो अब क्योंकि सिचुएशन 1v1 की थी, तो मैं यहाँ पर सोचा था कि इसके ऊपर पुश कर दूं। अब मैं पुश करने की सोच रहा हूँ और ये भागने की, लूट लाट के निकल रहा था ये। अब देखो इस स्क्वाड के तीन बंदे तो मैंने निपटा दिए हैं, चौथे बंदे का मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी, तो मैंने फटाफट से जो भी बूस्टर्स लेने थे तो वो लिए। और अब यहाँ से मैं निकल के बाकी बचे हुए बंदों से लड़ने जा रहा था, लेकिन तब ही मेरे को एक और सरप्राइज मिला। अब मुझे नहीं पता ये इनका चौथा बंदा है या फिर नहीं, बट ये नीचे ही देख रहा था मेरे को। well, मैंने उसको नॉक कर दिया और फिनिश तो जरूर करूंगा। यार ये रिकॉल लेके वापस आया क्या? इसको मैंने मार रखा है पहले। फिलहाल जो भी हो, मेरे को तो 4 किल मिल गए थे, मैं इधर बहुत ज़्यादा खुश था। 13 किल हो गए थे और अभी भी इधर 6 बंदे बच रहे हैं, तो हॉट ड्रॉप का तो ही खतरनाक वाला सक्सेसफुल हो रहा है मेरा। अब मुझे एक बात तो पता थी कि जो बंदे लड़ रहे थे वो टावर के साइड लड़ रहे थे, तो अब मुझे उधर जाके लड़ना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ज़्यादा टाइम बच नहीं रहा है, थोड़ी देर में यहाँ पर पानी भरना शुरू हो जाएगा। हाय, एक हेडशॉट कनेक्ट हो जाता ना, ये नॉक हो जाता। अब इसने किसी को नॉक कर रखा है, बट मैं फिनिश नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बाउंड्री में गोलियां लड़ रही हूँ, और अगर चढ़ के मारूंगा तो नॉक हो जाऊंगा। बस यही समझा रहा था मैं, चढ़ के मारोगे नॉक हो जाओगे भाई। अब देखो मुझे इतना तो पता था कि टावर वाला किल तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा, वो ग्रेड आउट हो जाएगा, तो मैंने डिसाइड करा कि मैंने इसे अभी नॉक करा है, मैं उस पर चढ़ाई करूंगा। और भाई तुम यहाँ पर देखो कि जो वाटर ग्रेनेड्स आए ना, ये कितने पावरफुल हैं। अब इस सुपर हीरो को तो मैंने कतई गंदा लैंड करा दिया। अब मुझे पता था खंबे के पीछे बंदे छुप रहे, मैंने लिया वाटर ग्रेनेड और डाल दिया। इससे क्या होता है, एक तो बंदे तैरने लगते हैं, गन नहीं चला सकते, और दूसरा भाई मार खा जाता है, उनकी लोकेशन पता लग जाती है, पता चल जाता है कि इसमें कोई ट्रैप हुआ है या फिर नहीं। बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन यूटिलिटी है, इसका इस्तेमाल करा करो, खास करके वो बंदे जो टीपीपी ले रहे हो या किसी छोटे ऑब्जेक्ट के पीछे छुप रहे हो, जैसे पेड़ हो गया, पत्थर हो गया। बहुत 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 ज़्यादा काम की है ये चीज़। फिलहाल वो जगह तो डूब गई थी, पानी भर गया था वहाँ पर, तो मेरे को मजबूरन तैर के ऊपर आना पड़ गया। मेरे पास ट्राइडेंट था क्योंकि किसी को मार के मैंने ले लिया था ट्राइडेंट। अब यहाँ से मैं निकलने की सोच रहा था, मेरा रुकने का कोई इरादा नहीं था, और मेरी किस्मत बड़ी अच्छी थी कि यह वाटर टाउन था, तो मेरे को ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, पास में ही रिकॉल टावर है तो बंदे मिल जाएंगे। जैसे कि ये चिरकुट मिल गया। अब ये किसी पे तो टीपीपी लेने की कोशिश कर रहा था, ये किसी से लड़ रहा था, मतलब तुम इसकी पोजीशन देखोगे ना, ये क्राउच था, पीक ले रहा था, मतलब मैं इतना तो जानता था यहाँ पर और कोई बंदा हो सकता है, बट मैं श्योर नहीं था। तो मैंने अपना निकलने का इंतजाम पहले से रेडी रखा, लूटा। प्लान नहीं था इतनी देर लूटने का, बस थोड़ा सा एमो लेके मैं खिसकने वाला था, बट भाई फिर मैंने गन पूरी चेंज कर ली, अटैचमेंट बिखर गया, और भाई मैं अटक गया। भाई अटकता मैं वॉइस ओवर में। फिलहाल अटका मैंने इसको भी दिया। अच्छा अब मेरे को याद आया, इसको मैंने अब यहाँ पर मारा है। भाई मैं कहूँ यार गेमप्ले के टाइप पे मैंने इसका नाम पढ़ा था तो मैं कंफ्यूज हो गया था यार कि मैंने इसको कहीं तो मारा है। फिलहाल यहाँ पर भाई मुझे लगा नहीं था कि तीन बंदे मेरे को मिलेंगे, बट बातों बातों में 3 किल चटका दिए। तुम्हारे भाई के 19 किल हो चुके हैं हॉट ड्रॉप पे ही। भाई मैं निकला भी नहीं हूँ अभी यहाँ से। वेल एक स्पॉइलर दूँ, तुम्हारे भाई का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। तब हुआ क्या कि मुझे पता था कि पास में ये रिकॉल टावर है, तो मैंने सोचा चलो एक बार एक चक्कर मार लेते हैं उधर, क्या पता मेरे को कोई एक आध बंदा मिल जाए जो अपने एक आध बंदे को रिवाइव दे रहा हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक ही बंदा था, वो रामपुर अपनी पूरी स्क्वाड को रिवाइव कर रहा था भाई। अब देखो यहाँ पर बंदे रिकॉल हो चुके थे और भाई और मेरी लगने वाली थी गंदी। ये अगर नॉक हो जाता ना तो डेफिनेटली मैं इनको फोड़ देता, ऐसे फोड़ूंगा अभी भी लेकिन आराम से फोड़ देता। अब मैं पुश करने जा रहा था, थोड़ा सा मैंने सोचा पार्कोर करता हूँ, बट ये बंदा ऊपर चढ़ा हुआ था, मुझे लगा नहीं था कि ये मेरे को मारेगा। अरे यार लालच, मैं समझ गया था कि मैं फंस गया हूँ, तो मैंने निकलने की कोशिश करी। वहाँ पर फाइट लेता तो मैं मारा जाता क्योंकि मल्टीपल बंदे थे। अब ये और जो है ना भाई ये स्केप करने के लिए बहुत अच्छे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना ये आपकी पोजीशन भी दे देते हैं अगर आपने फोड़ा नहीं इनको, तो जैसे कि यहाँ पर हुआ। वो भाई नॉक ही नहीं निकल रहे यार। अब मैं ट्रक के पीछे अटक गया था और मैं जानता था कि थर्ड पार्टी आएगी, पीछे से कोई ना कोई मेरे को मारेगा, ये बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है। तो मैंने एक बहुत ही गट्सी मूव यहाँ पर करा, मतलब रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसा करना बट मेरे को करना पड़ा। मैंने बूस्टर ले लिया ताकि मैं फुल्ली बूस्टेड रहूँ, उसके बाद मैं घुस गया बंदे के मुंह पे। ऑप्शन नहीं था भाई मेरे पास, 2 बंदों के बीच में घुसा, एक को नॉक करा। मेरे को लगा था फिनिश हो ही जाएगा तो मैं छोड़ के इधर से निकला और मैं शूटिंग रे को थोड़ा सा बेड़ा कर करके चला रहा था ताकि वो मेरे को आराम से ना मार पाए, क्योंकि जब आप थोड़ा सा तिरछा करके से चलाते हो ना तो हल्का फुल्का कवर मिलता है। अब मैं एक पत्थर तक पहुंच गया था, लेकिन मेरी किस्मत इतनी बुरी थी इस पॉइंट पे कि उस बंदे को मैंने काफ़ी डैमेज दिया था। मेरे को लगा था फिनिश करने के लिए सफिशिएंट है, बट नहीं, उसे रिवाइव मिल गया। तो जितनी भी मैंने मेहनत अभी तक करी है सबके सब पानी में गई, मुझे फिर से स्पॉट को वाइप करना पड़ेगा। फिर एक और मौका मिला लेकिन भाई फिर ये बच गए। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था जो बंदे अभी भी रिकॉल हुए हैं इनके पास ये भाई कहाँ से आ रहा है इतना तगड़ा तगड़ा वेस्ट वगैरह कि भाई नॉक ही नहीं हो रहा है कोई। लेवल 1 के वेस्ट हेलमेट में इतनी दम नहीं होती भाई। फिलहाल यहाँ पर मैं बैठा रहता तो पीछे रोजॉक से कोई ना कोई मेरे को मारता, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा एक फ्लैंक मारते। अब तुम देखो कि मैं किस तरीके से चला रहा हूँ स्टिंगरे को। अब सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता कि वो मेरे को प्रॉपरली देख पा रहे या फिर नहीं, बट मेरी स्क्रीन पे मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को कवर मिल रहा है। अब ये लोग अभी भी मेरे को ट्रैक कर रहे थे, लकली यूएमपी चला रहे थे तो चिपका नहीं पाए गोली, क्योंकि यूएमपी की बुलेट प्लास्टिक कम होती है। अब मैं शॉप पे आके रुका, उसके पीछे 2 रीज़न थे, एक तो ये सॉलिड कवर है और दूसरा मेरे को थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करनी। अब जब तक मैंने शॉपिंग करी ये लोग मेरे पे फायर कर रहे थे, लेकिन फिर जोन आ गया और मेरे से पहले वही लोग भाग गए, तो ऑफकोर्स मेरे को भी वो जगह छोड़नी पड़ी। अब वो जगह छोड़ के मैं इधर आया और भाई ये इधर ही रुके हुए और मैं क्या बताऊँ दिख रही है पूरे में, हर एक घर में एक बंदा है और इनका एक बंदा मेरे पीछे वाले घर में। भाई चौतरफा पड़ रही, मैं समझ नहीं पा रहा था मैं कहाँ जाऊँ। मैंने भागने की कोशिश करी बट सालों ने धर लिया घेर के यार, ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो गया। क्यों रुके हो भाई, रिकॉल होऊंगा मैं। भाई मुझे भी लगा था कि मैं रिकॉल होऊंगा, नहीं हुआ भाई, एकदम टाइम पे खत्म हो गया।